नमस्कार साथियों, आज अपन जुलाई 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। इसी पीआर सर नॉलेज चैनल के ऊपर जुलाई 2021 से संबंधित तीन वीडियो पहले जारी किए जा चुके हैं। आप वो वीडियो देखने के लिए इस चैनल की जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जुलाई 2021 लिखकर सर्च करें, उसमें आपको पार्ट एक, पार्ट दो, पार्ट तीन ये मिल जाएंगे। तो आज अपन जुलाई करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स इंडिया एंड वर्ल्ड का है, उसका पार्ट चार पढ़ते हैं। तो इससे पहले मेरी ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने यदि ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें। तो चलो अपन शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। हाँ, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर 100% COVID-19 टीकाकरण वाला प्रथम शहर बना है। तो यहां ध्यान दो, जैसे अपन बात करते हैं COVID-19 और टीकाकरण, COVID-19 टीकाकरण, ध्यान रखना भारत में COVID-19 का जो टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था 16 जनवरी 2021 को। 16 जनवरी 2021 को भारत में टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। हाँ, सबसे पहला जो टीका लगाया गया था भारत में, सबसे पहला टीका लगाया गया था, ध्यान रखना, मनीष कुमार नामक व्यक्ति को सबसे पहला टीका लगाया गया था। और भारत में मुख्य रूप से जो टीके लगाए जाते हैं टीकाकरण अभियान के तहत, दो टीके लगाए जाते हैं। एक तो लगाया जाता है कोवैक्सीन और एक लगाया जाता है कोविशील्ड। ये दो टीके भारत में लगाए जाते हैं सभी व्यक्तियों को, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो ये दोनों जो वैक्सीन है ये भारत में निर्मित है। जैसे कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन का जो निर्माण है, कोवैक्सीन का निर्माण भारत में भारत बायोटेक जो कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। हैदराबाद आप जानते हो, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। कोवैक्सीन का जो निर्माण है वो तो भारत बायोटेक ने किया है और कोविशील्ड का जो निर्माण किया है, वर्तमान में जो भारत में निर्मित हो रही है वो हो रही है सीरम इंस्टीट्यूट संस्था है जो कि पुणे में स्थित है, इसके द्वारा ये वैक्सीन निर्मित हो रही है। तो COVID-19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ था और COVID-19 वैक्सीन का 100% टीकाकरण वाला पहला शहर कौन सा है भारत का? भुवनेश्वर। याद रखना, भुवनेश्वर भारत का पहला शहर है जहां 100% COVID-19 टीकाकरण हो चुका है। देखो, भुवनेश्वर की जो नगर निगम थी, उस नगर निगम ने ये निर्धारित किया था, ये लक्ष्य लिया था कि भाई हम 31 जुलाई से पहले पूरे शहर की संपूर्ण, जैसे मान लो जो उचित जनसंख्या है जिनको वैक्सीन लगना है, निर्धारित आयु वाले उनको वैक्सीन लगाना है, लगभग ध्यान देना 9 लाख से अधिक व्यक्तियों को भुवनेश्वर शहर में टीका लगाया जा चुका है और 100% टीकाकरण वाला पहला शहर भारत के अंदर बन गया है। मैं यहां आपको एक चीज और बता देता हूं, प्रश्न आता है कोवैक्सीन में 100% टीकाकरण वाला पहला गांव कौन सा है? वो है, ध्यान रखना, वेयान गांव है जो कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। तो गांव पूछे तब तो वेयान गांव है जो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है, और यदि शहर पूछे तो शहर कौन सा है? भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर आप जानते हो ओडिशा की राजधानी है। तो यह आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। हाँ, इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने एक दो ऑप्शन और दिए, जैसे मान लो एक प्रश्न दिया है पटना तो पटना बिहार के अंदर स्थित है और पटना में क्या है?
पटना में हमारे एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खोला गया है। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खोला गया है। हाँ, धोलावीरा आपको पता है गुजरात के अंदर स्थित है। और धोलावीरा की खास बात क्या है, अभी हाल ही में यूनेस्को ने धोलावीरा को 40वीं साइट घोषित किया है, विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। और एक ऑप्शन है मथुरा, तो वर्तमान में देखो मथुरा के अंदर IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन नामक जो महारत्न कंपनी है, इस कंपनी ने यहां क्या किया है, यहां ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। तो ये देखो मैंने आपको एक ऑप्शन के साथ साथ तीनों जो ऑप्शन थे इनके बारे में मैंने आपको चर्चा कर ली है। तो 100% वैक्सीन वाला पहला शहर कौन सा है, भुवनेश्वर। चलो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। हम इसी प्रश्न से रिलेटेड कुछ अन्य चीजें पढ़ते हैं। जैसे देखो भुवनेश्वर, आपको पता है भुवनेश्वर क्या है, भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है। वर्तमान में पहले नाम इसका उड़ीसा था, आजकल इसका नाम क्या कर दिया, ओडिशा। तो भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है। और भुवनेश्वर को ध्यान रखना, पूर्व का काशी कहते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर को ध्यान रखना, पूर्व का काशी कहते हैं। तो यह आपका एक क्वेश्चन हो गया। हां, भुवनेश्वर ध्यान रखना भारत की प्रथम स्मार्ट सिटी है। आपको ध्यान होगा हमारी जो भारत सरकार है, भारत सरकार का जो शहरी एवं आवासीय मंत्रालय है, शहरी और आवासीय मंत्रालय, इस मंत्रालय ने 25 जून 2015 को 25 जून 2015 को एक योजना लॉन्च की थी। कौन सी योजना, स्मार्ट सिटी योजना, स्मार्ट सिटी मिशन। तो इस स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आपको पता है भारत के 100 प्रमुख शहरों को, भारत के 100 प्रमुख शहरों को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त स्मार्ट सिटी बनाने की भारत सरकार की योजना थी। तो स्मार्ट सिटी योजना एक क्वेश्चन हो गया, कब लॉन्च हुई थी, 25 जून 2015, बहुत अच्छा प्रश्न है। 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी योजना लॉन्च हुई थी। और ये शहरी एवं आवासीय मंत्रालय के अधीन आते हैं। देखो उस टाइम जब योजना लॉन्च हुई थी, उस टाइम तो इस मंत्रालय के मंत्री थे, ध्यान रखना, एम वेंकैया नायडू। लेकिन वर्तमान में आपको पता है एम वेंकैया नायडू क्या बन चुके हैं, ये भारत के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। तो वर्तमान में शहरी एवं आवासीय मंत्रालय के जो मंत्री है वो याद कर लो, वो है हरदीप सिंह पुरी। यहां से एक क्वेश्चन बनता है, इससे संबंधित मंत्री कौन है, आपको पता है अभी हाल ही में जुलाई के अंदर ही मोदी सरकार की कैबिनेट के अंदर या जो मंत्रिमंडल है उसमें काफी बड़ा फेरबदल हुआ है। तो उसमें वर्तमान में शहरी और आवासीय मंत्रालय के मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी। तो ये देखो अपन ने एक साइड में क्वेश्चन पढ़ लिया, स्मार्ट सिटी योजना के बारे में पूरी बात। तो जो भुवनेश्वर है, याद रखना भारत की प्रथम स्मार्ट सिटी कौन सी है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो है वो भारत की प्रथम स्मार्ट सिटी है। हाँ, आगे देखो भुवनेश्वर की यदि अपन चर्चा करते हैं तो हमें भुवनेश्वर का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है कौन सा, लिंगराज मंदिर। बहुत अच्छा प्रश्न है, भुवनेश्वर का प्रसिद्ध एक पर्यटन स्थल, भुवनेश्वर का पर्यटन स्थल है लिंगराज मंदिर। हमें इसकी भी चर्चा करनी चाहिए। लिंगराज मंदिर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव और विष्णु इन दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। इस मंदिर का निर्माण ध्यान रखना 11वीं शताब्दी में हुआ था, 11वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। और इसका निर्माण किसने किया था, इसका निर्माण राजा जोजती
केसरी ने इसका निर्माण लगभग 1025 से 1040 के बीच में इसका निर्माण किया था। और राजा जोजती केसरी, ध्यान रखना, प्रश्न आता है ये कौन से वंश से संबंधित थे, ये सोम वंश से संबंधित राजा थे। सोम वंश से संबंधित राजा है ये। अभी प्रश्न एक बार और आएगा इसलिए अब इसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, यहीं से समझ लेना। लिंगराज मंदिर कहाँ का प्रसिद्ध है? भुवनेश्वर का। यानी भुवनेश्वर सिटी का पहला पर्यटन स्थल कौन सा है? लिंगराज मंदिर। और इस लिंगराज मंदिर का निर्माण सोम वंश के राजा जोजती केसरी ने करवाया था 1025 से 1040 के बीच, यानी 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। तो ये देखो आपका भुवनेश्वर से रिलेटेड प्रश्न हो गया। भुवनेश्वर भारत की पहली स्मार्ट सिटी है। और एक चीज ध्यान रखना, भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी है? वो है शिलोंग। शिलोंग जो है वो भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी है। आपको पता है स्मार्ट सिटी, मैंने बताया 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनानी थी। स्मार्ट सिटी का मतलब आप एक ही समझ लो, आधुनिक सुविधाओं से युक्त शहर बनाना, इसी योजना का नाम है स्मार्ट सिटी। देखो पहली स्मार्ट सिटी थी भुवनेश्वर, और दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी पुणे, और तीसरी कौन सी थी? तीसरी थी जयपुर। ये तीन स्मार्ट सिटी है, और 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी है? वो है शिलोंग। चलो ये अपन ने देखो भुवनेश्वर के साथ साथ स्मार्ट सिटी मिशन को के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया है। हाँ आगे देखें, देखो ये प्रश्न आपका उड़ीसा से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको उड़ीसा के प्रमुख कुछ स्थल बता देता हूं। अभी आपने एक स्थल तो लिंगराज मंदिर पढ़ा ही है, उड़ीसा का एक प्रमुख स्थल अभी अपन ने पढ़ा है लिंगराज मंदिर। मैंने बता दिया कि इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था, और सोमवंशी राजा ने इसका निर्माण किया था, बता रखा है। हाँ अब दो मंदिर और है, एक मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर, एक है जगन्नाथ मंदिर। कोणार्क के सूर्य मंदिर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ब्लैक पेगोडा, ब्लैक पेगोडा कहते हैं इस मंदिर को। और जगन्नाथ मंदिर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं श्वेत पेगोडा, ये श्वेत पेगोडा है। हाँ इन दोनों मंदिरों का निर्माण ध्यान रखना गंग वंश के शासकों ने करवाया था। गंग वंश के शासकों ने इन मंदिरों का निर्माण कराया था। तो बात आई कि भाई किस किस ने कराया था, जैसे मैंने बता रखा है इस मंदिर का निर्माण तो हुआ था 11वीं शताब्दी में, इसका हुआ है ध्यान रखना 12वीं शताब्दी में, और कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था 13वीं शताब्दी में। ये तीन आप सन ईस्वी ध्यान रखना। तो इसके लिए देखो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं, एक नाम याद कर लेना, काजल, काजल नाम याद कर लो। देखो के का मतलब कोणार्क मंदिर हो गया, जे का मतलब जगन्नाथ मंदिर हो गया, और ले का मतलब लिंगराज मंदिर हो गया। लेकिन काजल नाम तो याद कर लिया, इसवी याद करने के लिए आपको या तो ऐसे याद कर लो 13, 12, 11, और या उल्टा चल लो 11, 12, 13। देखो इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी, इसका 12वीं और इसका 13वीं। हाँ कोणार्क का सूर्य मंदिर आपको पता है कहाँ है? कोणार्क के अंदर है, कोणार्क उड़ीसा के अंदर है, यहाँ सूर्य मंदिर है। और इस मंदिर का निर्माण किसने किया था? इस मंदिर का निर्माण गंग वंश के ही राजा नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण किया था, गंग वंश का शासक था। ऐसे ही जैसे जगन्नाथ मंदिर है, तो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण भी आपको पता है गंग वंश के शासक ने, और किस शासक ने? अनंत वर्मन ने इसका निर्माण किया था, यह शासक का नाम है अनंत वर्मन। हाँ चलो ये ओडिशा स्टेट के तीन पर्यटन स्थल हो गए, लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, और तीसरा कौन सा हो गया? जगन्नाथ मंदिर। और सबसे इंपॉर्टेंट है चिल्का झील, उड़ीसा की चिल्का झील। चिल्का झील आपको पता है भारत की नहीं, ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, या मैं कह सकता हूं खारे पानी की झील को मुख्यतः क्या बोलते हैं? लेगुन झील। तो ये एशिया की सबसे बड़ी लेगुन झील है, कौन सी? देखो यदि आपको पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे बड़ी लेगुन झील कौन सी है, वो तो हो जाएगी कैस्पियन सागर, यानी खारे पानी की कैस्पियन
झील, लेकिन एशिया की पूछ ले, या आपको पता ऐसे पूछ ले भारत की सबसे बड़ी कौन सी है, तो वो कौन सी हो जाएगी आपके, चिल्का झील। और चिल्का झील के लिए खास बात ध्यान रखना, चिल्का झील के अंदर नलबाना, नलबाना पक्षी अभ्यारण्य है, नलबाना पक्षी अभ्यारण्य चिल्का झील के अंदर है, इसका आप खास रूप से ध्यान रखना। तो ये देखो आपने एक क्वेश्चन पढ़ लिया, इस क्वेश्चन से संबंधित बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई है। हाँ, अब चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आईपीएल 2021 के शेष बचे हुए मैच किस देश में होंगे। हाँ, अभी अपन देखो, आपको पता है वर्तमान में आईपीएल चल रहा है, और आईपीएल का कौन सा सीजन चल रहा है, आईपीएल का 14वां सीजन चल रहा है। अभी अप्रैल और मई के अंदर, अप्रैल और मई के अंदर ये शुरू हुआ था। इसके मैच कहां हुए थे, भारत में हुए थे, लेकिन आपको पता है कोविड-19 के कारण, कोविड-19 के केस बढ़ने के कारण बाद में भारत में इस आईपीएल को रद्द करना पड़ा था। तो आईपीएल को रद्द कर दिया, अब शेष जो बचे हुए मैच है वो 19 सितंबर, आप सितंबर अक्टूबर याद कर लो, सितंबर अक्टूबर के अंदर शेष बचे हुए जो मैच है ना वो हो गए यूएई, यूएई का मतलब है संयुक्त अरब अमीरात। शेष बचे हुए मैच संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी है, शारजा है, दुबई है, इन शहरों के अंदर होने वाले हैं। तो देखो आईपीएल के शेष बचे हुए मैच कहां होंगे, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर होंगे। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, संयुक्त अरब अमीरात है, इसको यूएई भी कहते हैं, संयुक्त अरब अमीरात। इसकी राजधानी क्या है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, ध्यान रखना, अबू धाबी, अबू धाबी इसकी राजधानी है। हाँ, तो ये आईपीएल का वर्तमान में 14वां सीजन चल रहा है। अपन आईपीएल से संबंधित कुछ चीजें और पढ़ लेंगे, जैसे देखो अपन बात करते हैं आईपीएल, आईपीएल का पूरा नाम है इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी ध्यान रखना 2008 के अंदर, 2008 के अंदर शुरुआत हुई थी। उस टाइम भी इसमें 8 टीमें थी, और इस प्रथम विजेता, इसके प्रथम विजेता कौन था, इसका प्रथम विजेता था राजस्थान रॉयल्स, ध्यान रखना, राजस्थान रॉयल्स ने केवल ये एक ही मैच जीता था सबसे पहली बार का, बाद में राजस्थान रॉयल्स ने कभी भी कोई मैच नहीं जीता। तो इसका प्रथम विजेता कौन था, राजस्थान रॉयल। वर्तमान में कितनी टीमें हैं, वर्तमान में इसमें कितनी टीमें हैं, 8 टीमें हैं, और वर्तमान में सीजन कौन सा है, अभी मैंने आपको बता दिया, वर्तमान में यानी 2021 के अंदर कौन सा सीजन है, 14वां सीजन है। और मैं आपको यहां बता देता हूं, 2020 के अंदर इसका 13वां सीजन हुआ था, वो सीजन पूर्णतया, वो सीजन पूर्णतया कहां हुआ था, वो यूएई के अंदर ही हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात में। अभी जैसे 14वां सीजन है, तो 14वां सीजन तो शुरू तो भारत में हो गया था अप्रैल महीने, लेकिन पूरी तरह से हुआ नहीं, कोविड-19 के केस बढ़ गए, इसलिए क्या है कि इसके जो शेष बचे हुए 30-31 मैच है वो कहां होंगे, यूएई के अंदर होंगे। लेकिन 13वां जो सीजन हुआ था 2020 में, ये सीजन पूर्णतया कहां हुआ था, ये सीजन ध्यान रखना पूर्णतया संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। हाँ, इसका सर्वाधिक विजेता, ध्यान रखना, इसके सर्वाधिक विजेता कौन है, इसका सर्वाधिक विजेता है मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस। और मुंबई इंडियंस जो है, मुंबई इंडियंस के आपको पूछ लिया जाए कि मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन है, तो इसके कप्तान है, आपको पता है, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कप्तान है। और मुंबई इंडियंस ने आज तक सर्वाधिक 5 बार विजेता है, ये 5 बार ये केवल किसने जीता है, मुंबई इंडियंस ने। और सेकंड पूछ लिया जाए कि दूसरा स्थान किसका है, तो वो है भैया चेन्नई सुपर किंग्स का, चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स जिसको अपन क्या बोलते हैं, सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स ने ये मैच 3 बार जीत लिया है। तो प्रथम यानी सर्वाधिक विजेता तो है मुंबई इंडियंस, और सेकंड स्थान किसका है, वो है चेन्नई सुपर किंग्स, सीएसके। हाँ, अब देखो यहां दो क्वेश्चन है,
पहला प्रश्न तो है वर्तमान में स्पॉन्सर कौन है, इसका स्पॉन्सर है ध्यान रखना वीवो। ये क्वेश्चन है कि वर्तमान में इसका स्पॉन्सर कौन है, वीवो। और प्रशासक, प्रशासक का मतलब है ये आईपीएल कराता कौन है, ये आईपीएल कराता कौन है, तो ये आईपीएल कराता है बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, यानी बोर्ड ऑफ क्रिकेट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया, ये बीसीसीआई है, वो आईपीएल करवाता है। देखो ये आईपीएल के बारे में अपन ने नॉर्मल जानकारी पढ़ ली। हाँ अभी देखो ये सफल अभी हुआ नहीं आईपीएल 14वां पूरा, तो 13वां पूरा हुआ है, तो मैं आपको 13वें से संबंधित कुछ चीजें बता देता हूँ। आईपीएल 13 2020 के अंदर हुआ था, कहाँ हुआ था अभी मैंने बताया पूरी तरह से, कहाँ हुआ था ये यूएई के अंदर हुआ था। यहां खास बात सुनो, वर्तमान में देखो जैसे 2020 से पहले इसका स्पॉन्सर कौन था, वीवो। लेकिन बाद में देखो 2020 के अंदर भारत और वीवो, ध्यान रखना चाइना की एक कंपनी है, तो 2020-19 के अंदर भारत और चीन के मध्य कुछ विवाद बढ़ा, इसलिए भारत सरकार ने बीसीसीआई ने कह दिया कि हम भाई चाइना वाली कंपनी से इसको स्पॉन्सर नहीं बनाएंगे। इसलिए 2020 का खास क्यों है कि इसका स्पॉन्सर कौन था, इसका स्पॉन्सर है ड्रीम इलेवन नामक कंपनी थी, ड्रीम इलेवन कंपनी थी। हाँ सर, अब इसमें देखो मैं तीन क्वेश्चन बताता हूं, एक प्रश्न ये देख लो, इसमें विजेता कौन रहा था, इसमें वो ही रहा था मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस, और मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन है, अभी मैंने आपको बताया था रोहित शर्मा इसके कप्तान है। तो आईपीएल 2013 देखो इसमें सर्वाधिक रन किसने बनाए थे, सर्वाधिक रन बनाए थे केएल राहुल ने, ये किंग्स इलेवन पंजाब का खिलाड़ी है केएल राहुल, इसने बनाया। सर्वाधिक विकेट किसने लिए थे, सर्वाधिक विकेट लिए थे रबाडा ने, रबाडा ने सर्वाधिक विकेट लिए थे। और प्लेयर ऑफ द सीरीज यानी पूरी सीरीज का मैन ऑफ द सीरीज कौन था, वो था जोफ्रा आर्चर, ये पूरी सीरीज का क्या था, पूरी सीरीज का प्लेयर ऑफ दी सीरीज था। तो ये आपने आईपीएल 13 के बारे में पढ़ लिया। अब अपन चलो आगे देखते हैं, आपको पता है आईपीएल जो है ना, आईपीएल का प्रशासक कौन है, यानी आईपीएल को कराता कौन है, आईपीएल को कराता है बीसीसीआई। तो हमने बीसीसीआई के बारे में अपन पढ़ते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना तो हुई थी भाई 1928 के अंदर। एक चीज आप ध्यान रखना, एक तो है बीसीसीआई, एक है आपका भारतीय ओलंपिक संघ, थोड़ा सा यहां ध्यान दो, भारतीय ओलंपिक संघ आगे आएगा अभी, इसको बोलते हैं आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। देखो आपको पता है क्रिकेट से भी प्राचीन, प्राचीन खेल कौन से हैं, ओलंपिक खेल, ओलंपिक खेल तो आपको पता है 1896 से खेले जा रहे हैं। तो एक है ओलंपिक वाली संस्था, ओलंपिक वाली जो संस्था है ना, इसकी स्थापना तो हुई है 1927 के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई है, 1927 में, आप यूं मान के चलिए क्रिकेट इसके बाद का है, इसलिए क्रिकेट की जो भारत में संस्था है उसकी स्थापना कब हुई है, 1928 के अंदर। ये दोनों आप ध्यान रखना, ओलंपिक संघ है ना, ओलंपिक संघ भारत के अंदर किसकी प्रशासक है, एक तो ओलंपिक खेल और एक एशियन खेल या दूसरे स्पोर्ट्स है, एथलेटिक संबंधी गेम होते हैं, इनकी जो प्रशासक संस्था है वो कौन सी है, भारतीय ओलंपिक संघ। तो इसकी स्थापना 1927 है और बीसीसीआई की कब है, 1928। हाँ इसका मुख्यालय कहां है, इसका मुख्यालय है ध्यान रखना वानखेड़ा स्टेडियम, और वानखेड़ा स्टेडियम कहां पर है, वो है मुंबई के अंदर। तो वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। हां बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष है सौरभ गांगुली, सौरभ गांगुली इसके अध्यक्ष है। और इसके उपाध्यक्ष कौन है, इसके उपाध्यक्ष है राजीव शुक्ला, राजीव शुक्ला इसके क्या है, उपाध्यक्ष। देखो मैं यहां एक चीज और आपको बता देता हूं, जैसे अभी मैंने आपको दो चीजों की तुलना करनी बताई है, एक तो बीसीसीआई और एक आईओए, इनकी तुलना बताइए, एक की स्थापना 1927 और इसकी स्थापना 1928। लेकिन अब एक चीज और सुनो, आप यहां से एक चीज और बता देता हूं, जैसे मैं पूछूं इसका अध्यक्ष कौन है, अभी यह प्रश्न आगे आएगा, इसके अध्यक्ष है ध्यान रखना नरेंद्र बत्रा,
लेकिन इसके सीओ कौन है? वो है राजीव मेहता। इसके सीओ कौन है? राजीव मेहता। देखो ये कहीं मिलने जाए, ये तो है राजीव शुक्ला, ये है राजीव मेहता। इसको आपको याद करने का तरीका क्या रखना है कि देखो बीसीसीआई में सी दो बार आ रखा है, से की धोनी आ रही है, तो यहां शुक्ला याद कर लो। तो बीसीसीआई का अरे अध्यक्ष तो सारे जानते हैं कौन है, सौरव गांगुली। उपाध्यक्ष कौन है इसका? राजीव शुक्ला। और इसका सीओ कौन है? मेहता, राजीव मेहता। हाँ, ये दो क्वेश्चन हो गए। अब इसके अलावा देखो, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, अरे ये भारत का नहीं, इसको आप यूं कर लो, ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जो कहाँ स्थित है? अहमदाबाद गुजरात के अंदर है। और ध्यान रखना, इसके अंदर 1,32,000 से भी ज्यादा दर्शक एक साथ क्रिकेट का मैच देख सकते हैं। तो ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। हाँ, वर्तमान में भारतीय टीम के कोच कौन है? कोच है, याद रखना, रवि शास्त्री। रवि शास्त्री कोच है। और महिला टीम के कोच कौन है? वो है रमेश पवार। ये दोनों क्वेश्चन याद कर लेना, ये महिला टीम वाला इंपॉर्टेंट है। महिला टीम के कोच कौन है? रमेश पवार। और वर्तमान में हमारा जो बीसीसीआई, इसके सचिव कौन है? सचिव है जय शाह। इसको सारे जानते होंगे, ये अमित शाह जी के लड़के हैं, जय शाह। ये वर्तमान में बीसीसीआई के क्या है? सचिव है। हाँ, अब हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक के 2021 में भारतीय खिलाड़ी पीवी संधु ने कांस्य मेडल जीता है, इनका संबंध किस खेल से है? पीवी संधु, आपको पता है पीवी संधु कहां से रिलेटेड है? ये हैदराबाद तेलंगाना से संबंधित है। ये हैदराबाद तेलंगाना से संबंधित है पीवी संधु। और ये क्या है? ये है बैडमिंटन खिलाड़ी, बैडमिंटन खिलाड़ी है पीवी संधु। तो अभी इसने टोक्यो ओलंपिक के अंदर, टोक्यो ओलंपिक जो है, टोक्यो ओलंपिक के अंदर इसने कौन सा मेडल जीता है? कांस्य मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कांस्य कह दो चाहे कह दो ब्रॉन्ज मेडल। तो यहां चीज ये है कि इसका संबंध किस से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा किस से रिलेट होगी है, ये बैडमिंटन से रिलेटेड होगी। और इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध किस राज्य से है? तेलंगाना राज्य से पीवी संधु संबंधित है। हाँ, जो पीवी संधु है, पीवी संधु ने, ध्यान रखना, प्रश्न आता है कि किस देश की खिलाड़ी को हराया था? पीवी संधु जो है, चीन की बिंग जियाओ, इसने हराया किसको था? इसने हराया था चीन की बिंग जियाओ। नाम याद कर लो, बिंग जियाओ को हराकर अपना मेडल इसने जीता था। कांस्य मेडल जीता है। और इसका संबंध किस से रिलेटेड है? बैडमिंटन से रिलेटेड है। अभी चलो मैं आपको यहां बता देता हूं, आज तक भारत की झोली में कुल 7 मेडल आ चुके हैं, 7 मेडल, जिसमें एक मेडल तो कौन सा आ गया है? गोल्ड मेडल। और गोल्ड मेडल, इसके लिए हम इस वीडियो के माध्यम से गोल्ड मैन, गोल्ड बॉय नीरज चोपड़ा जी को बधाई देते हैं, जिन्होंने भारत की झोली में एक स्वर्ण पदक दिया है। वो कौन है? वो है नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा ने भारत की झोली में एक गोल्ड मेडल दिया है, इसको अपन गोल्ड बॉय कह सकते हैं। और नीरज चोपड़ा का संबंध किस से है? इसका संबंध है भाला फेंक से, भाला फेंक से रिलेटेड है। इसके अलावा देखो, एक जीता है सिल्वर मेडल चांदी। आपको मैंने पीछे एक वीडियो में ट्रिक बताई थी, चे का मतलब चान्नू, यानी मीराबाई, यानी चान्नू ने चांदी जीता। चे चे मिल रहे हैं? तो सिल्वर मेडल, या मैं कह सकता हूं चांदी मेडल, वो किसने जीता था? वो जीता था मीराबाई चान्नू ने, मीराबाई चान्नू ने चांदी जीती थी। ये दो तो हो गए, एक हो गया स्वर्ण, और इसके अलावा एक हो गया, नहीं, हाँ ये स्वर्ण हो गया, ये सिल्वर यानी चांदी हो गया। इसके अलावा आज दिन तक 5 भारत ने कांस्य पदक जीता है। तो ये आपका पीवी संधु हो गया। हाँ, ये देखो पीवी संधु के कुछ पुरस्कार है, आप मुख्यतः याद कर लेना। देखो 2013 के अंदर
अर्जुन पुरस्कार दिया गया इसको 2013 के अंदर अर्जुन पुरस्कार, 2015 के अंदर पद्मश्री और 2020 के अंदर पद्म भूषण। देखो 2015 के अंदर पद्मश्री और 2020 के अंदर पद्म भूषण, न कि पद्म विभूषण। 2015 और 2020 और 2016 के अंदर खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। चलो मैं यहीं से आपको एक बता देता हूं, 6 अगस्त 2021 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा करी है कि राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम बदलकर अब क्या किया जाएगा, इसका नाम किया जाएगा मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार। और मेजर ध्यानचंद को आज आपको पता है, पूरी दुनिया जानती है मेजर ध्यानचंद क्या है, हॉकी के जादूगर, हॉकी के जादूगर कहलाते हैं मेजर ध्यानचंद। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार होगा। तो मेजर ध्यानचंद का आपको पता है जन्मदिन कब है? 29 अगस्त को। और 29 अगस्त को ही भारत में आपको पता है क्या मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है। क्यों? कि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है। तो ये पीवी संधू के कुछ पुरस्कार है, यानी 2016 के अंदर पीवी संधू को कौन सा पुरस्कार मिला था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ध्यान देखना, प्रश्न आ जाता है कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? वो तो है भारत रत्न। भारत रत्न ये तो एक प्रकार का नागरिक सम्मान है, नागरिक सम्मान यानी सिविल सम्मान है, जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। लेकिन खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो पीवी संधू को कब दिया गया था? 2016 के अंदर दिया गया था। और वर्तमान में 6 अगस्त को यानी मोदी जी ने घोषणा करी है और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा? इसका नाम कर दिया जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो ध्यान अब से भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा होगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। चलो अपन नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्या है। हाँ, अभी देखो अपन ने पीछे एक प्रश्न में चर्चा करी थी भारतीय ओलंपिक संघ। हाँ, एक चीज और देख लो, अभी हाल ही में परिवर्तन हुआ है कि मैंने बताया है कि मोदी मंत्रिमंडल में काफी परिवर्तन हुआ है, तो इस परिवर्तन में भारत के खेल मंत्री भी बदले गए हैं, भारत के खेल मंत्री। और वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? ध्यान रखना, अनुराग ठाकुर जो है ना, वर्तमान में भारत के खेल मंत्री है, ये ध्यान रखना। हाँ, भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ को अभी मैंने पीछे एक प्रश्न के अंदर बताया था कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 के अंदर है। और 1928 में किसकी स्थापना हुई थी? BCCI की। हाँ, भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। और अभी मैंने बताया था BCCI का मुख्यालय कहाँ है? वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई के अंदर। जब इसकी स्थापना हुई थी 1927 के अंदर, तो इसके पहले जो चेयरमैन बने थे वो बने थे दोराबजी टाटा, ये ध्यान रखना। 1927-28 के अंदर जो IOA है इसके क्या थे? चेयरमैन, यानी फर्स्ट चेयरमैन ऑफ IOA कौन थे? दोराबजी टाटा। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा वर्तमान में इसके चेयरमैन है। और वर्तमान में इसके सचिव कौन है? अभी मैंने आपको देखो BCCI का कौन है? राजीव शुक्ला। और इसके सचिव कौन है? यह है राजीव मेहता। राजीव मेहता वर्तमान में इसके क्या है? सचिव है। और वहां BCCI के उपाध्यक्ष कौन थे? देखो BCCI के अध्यक्ष तो कौन थे? वो है सौरव गांगुली। और उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला। और यहां इसके सचिव कौन है? राजीव मेहता। ये देखो IOA। यहां मैंने IOA क्यों बताया कि जो ओलंपिक खेल है, ओलंपिक खेल प्लस जो एशियाई खेल है या अन्य जो भी एथलेटिक्स वगैरह है, इन सब को भारत में हैंडल यानी इनका भारत में नेतृत्व कौन करता है? IOA करता है। इसलिए हमने यहां IOA के बारे में पढ़ा है। चलो आगे अपन देखो, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति,
अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जो आज आपको पता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो टोक्यो ओलंपिक हो रहे हैं, टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कौन करवा रही है? वो करा रही है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। चलो मैं यहां आपको एक चीज बता देता हूं कि वर्तमान में 2021 के अंदर कौन सा ओलंपिक है? 32वां ओलंपिक है। और ये 32वां ओलंपिक कहां आयोजित हो रहा है? टोक्यो जापान के अंदर आयोजित हो रहा है। हाँ, 33वां ओलंपिक होगा 2024 के अंदर। ध्यान देना, ये जो ओलंपिक है ना, ये होना तो था 2020 के अंदर, लेकिन ये कोविड-19 के कारण 2020 के अंदर नहीं हो पाया। हाँ, अब अपन आगे चर्चा करते हैं कि जो 33वां ओलंपिक होगा 2024 के अंदर वो कहां होगा? वो होगा, ध्यान रखना, पेरिस फ्रांस के अंदर होगा। और 34वां ओलंपिक वो होगा 2028 के अंदर, और वो कहां होगा? वो होगा लॉस एंजिल्स के अंदर, लॉस एंजिल्स अमेरिका के अंदर। और जो 35वां ओलंपिक है वो होगा 2032 के अंदर, और वो कहां होगा? ब्रिस्बेन के अंदर होगा। और ब्रिस्बेन आपको पता है, ये ब्रिस्बेन कहां है? ब्रिस्बेन है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ब्रिस्बेन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, वहां होने हैं। तो ये आगामी कुछ ओलंपिक है, तो कौन सा ओलंपिक कहां होगा, कब होगा, इन सब की घोषणा कौन करता है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ समिति। ध्यान देखना, मैंने ये जितने भी ओलंपिक बताए ये सारे के सारे समर ओलंपिक है, विंटर अलग होता है, यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। तो आगामी कहां कहां होंगे? 2021 वाला टोक्यो के अंदर हो रहा है, और टोक्यो के अंदर जो ओलंपिक हो रहे हैं, भारत ने अभी तक कुल 7 मेडल जीत लिए हैं, 1 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक। सबसे मोस्ट है स्वर्ण पदक किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। और नीरज चोपड़ा ने, ध्यान रखना, 87.58 मीटर भाला फेंककर अपना ही प्रतियोगिता जीती है। हाँ, 2024 वाला कहां होना है? पेरिस फ्रांस के अंदर। 2028 वाला कहां होना है? लॉस एंजिल्स अमेरिका के अंदर। 2032 वाला कहां होना है? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर ओलंपिक खेल होने। चलो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में अपन देखते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? ध्यान देना, इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। इसीलिए देखो 23 जून को क्या मनाया जाता है? 23 जून को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 23 जून को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। हाँ देखो, स्थापना हुई थी 1894 में, लेकिन इसका प्रथम मैच हुआ था 1896 में। और ये कहां हुआ था? ये मैच हुआ था अथेंस की राजधानी ग्रीस में, यानी अथेंस ग्रीस के अंदर हुआ था। हाँ, वर्तमान में इसका कौन सा सीजन है, संस्करण है? वर्तमान में आपको पता है कौन सा संस्करण है? 32वां संस्करण है। और ध्यान रखना, ये ग्रीष्मकालीन है, समर न कि शीतकालीन है, ये ग्रीष्मकालीन है। हाँ, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है थॉमस बोक है, वर्तमान में जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसके अध्यक्ष है। और इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय है लुसाने, और लुसाने कहां पड़ता है? ये लुसाने पड़ता है स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। तो देखो, अपन ने ओलंपिक से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो पढ़ ली है, और खास बात सुनना, भारत में वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। और अनुराग ठाकुर, आपको पता है खेल युवाओं का होता है, तो अनुराग ठाकुर को एक प्रभार और दिया गया है, युवा मामलात मंत्रालय। जो अनुराग ठाकुर आपने पढ़ा है, खेल मंत्री तो है ही है, साथ में ये दूसरे मंत्री कौन है? युवा मामलात मंत्री भी है, युवाओं के मंत्री भी कौन है? अनुराग ठाकुर हैं। हाँ चलो, अब अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदर 21 का आयोजन अगस्त 2021 में किन देशों के बीच में होगा? हाँ, अपन चर्चा करते हैं इंदर युद्धाभ्यास, INDRA, इंदर। तो यहां पर देखो, IND का मतलब तो होता है इसमें इंडिया, इसका मतलब तो है इंडिया। RA का मतलब है इसमें रशिया, रूस, इसका मतलब ये किन किन के बीच होना है? ये भारत और
रूस के बीच होने वाला एक एक्सरसाइज है, युद्धाभ्यास है। और वर्तमान में ध्यान रखना, यह जो इंद्र युद्धाभ्यास है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2003 के अंदर। और वर्तमान में इसका कौन सा संस्करण है? वर्तमान में इसका 12वां संस्करण है। वर्तमान में 2021 के अंदर यह कब से कब होना है? यह 1 अगस्त 2021 से 13 अगस्त 2021 तक के, यह ध्यान रखना, 13 दिवसीय संस्करण है, 13 दिवसीय युद्धाभ्यास है। तो देखो इंद्र 21 तो क्यों दिया है? 21 का मतलब तो ये कब हो रहा है? 2021 के अंदर, इसलिए 21 दिया है। 21 का उल्टा कर दो 12, तो वर्तमान में कौन सा संस्करण है इसका? वो 12वां है। और कितना दिवस ये? 13वां है। और सबसे मोस्ट चीज है, ये आयोजित कहां होगा? बढ़िया प्रश्न है, ये आयोजित कहां होना है? ये रूस के अंदर है, रूस के अंदर आयोजित होना है। और रूस के अंदर कहां आयोजित होना है? रूस के अंदर वोल्गोग्राद नामक शहर में होना है। कहां? वोल्गोग्राद, वोल्गोग्राद शहर में होना है। और ये वोल्गोग्राद आपको पता है कहां स्थित है? ये वोल्गोग्राद जो है वो वोल्गा नदी के ऊपर स्थित है, वोल्गा नदी के किनारे पर स्थित है। तो देखो इंद्र 21 से रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी है। 2003 में शुरुआत था इंद्र, इंडिया प्लस रशिया, शुरुआत हुई थी 2003 के अंदर। वर्तमान में कौन सा संस्करण है इसका? वर्तमान में 12वां है। कितना दिवसीय? 13 दिवसीय, 1 अगस्त से 13 अगस्त के बीच होना है। और ये होगा कहां? ये रूस के वोल्गाग्राद शहर में। और वोल्गाग्राद ध्यान रखना रूस की वोल्गा नदी के किनारे है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? भारत और रूस, भारत और रूस, इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अब देखो यहां भारत श्रीलंका, भारत नेपाल, भारत फ्रांस, ये भी कुछ क्वेश्चन दिए, तो मैं देखो आगे बता देता हूं इनके बीच में कौन कौन से संस्करण होते हैं। हाँ, भारत के साथ होने वाले कुछ सेनाभ्यास, हाँ, सूर्य किरण, ये सूर्य किरण ध्यान रखना भारत और नेपाल के बीच होता है। भारत और नेपाल के बीच कौन सा होता है? सूर्य किरण। और शक्ति गरुड़ और वरुण, ये तीन है, शक्ति गरुड़ वरुण, ये तीनों होते हैं ध्यान रखना भारत और फ्रांस के बीच, भारत और फ्रांस के बीच। यहीं पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, एक युद्धाभ्यास है स्काइरोस, ये जो वार एक्सरसाइज है एक प्रकार की, ये भी भारत और फ्रांस के बीच है, लेकिन ये साधारण नहीं है। ये ध्यान रखना जो हमारे, आपको पता है भारत ने फ्रांस से कौन से विमान खरीदे थे? भारत जो है, भारत ने फ्रांस से कौन से विमान खरीदे थे? राफेल विमान। तो भारत और फ्रांस के जो राफेल विमान है, राफेल विमानों के बीच में ये जनवरी 2021 के अंदर हुए थे। कहां? राजस्थान के जोधपुर के अंदर, ये जोधपुर राजस्थान में हुआ था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्काइरोस किन किन के बीच होता है? भारत और फ्रांस के जो राफेल विमान है, आपको पता है राफेल विमान भारत ने कहां से खरीदे थे? राफेल विमान भारत ने फ्रांस से खरीदे थे। और इनका निर्माण डसॉल्ट कंपनी ने किया था, डसॉल्ट कंपनी ने राफेल विमानों का निर्माण किया था। तो स्काइरोस भी भारत फ्रांस के बीच, शक्ति गरुड़ वरुण, देखो सूर्य किरण नेपाल के बीच, शक्ति गरुड़ वरुण भारत फ्रांस के बीच, स्काइरोस भारत और फ्रांस के राफेल विमानों के बीच में हुआ था जनवरी 2021 के अंदर। इंबेक्स है भारत और म्यांमार के बीच, भारत और म्यांमार के बीच कौन सा है? स्काइरोस। हाँ, ये देखो स्लीनेक्स, इसको ऐसे लिखो SLI और कोष्टक में N लिख दो एक, और फिर लिख दो NEX। देखो SLI का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है श्रीलंका, और यहां आई की मात्रा IN, ये आई यहां से ले लो चाहे, इसका मतलब है इंडिया। और EX का मतलब क्या है? EX का मतलब है एक्सरसाइज, और N बीच में मैंने लगाया, इसका मतलब है नेवी।
भारत और श्रीलंका की नौसेना के बीच जो होता है उसको क्या बोलते हैं? स्लिनेक्स। और मित्र शक्ति भी ध्यान रखना, भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। तो आप तो अभी इतना याद कर लो, मित्र शक्ति और स्लिनेक्स ये किन के बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच। वज्र प्रहार, वज्र प्रहार होता है भारत और अमेरिका के बीच। समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति यह है ध्यान रखना भारत और इंडोनेशिया के बीच, भारत और इंडोनेशिया इन दो के बीच होता है समुद्र शक्ति और मित्र शक्ति। मालाबार, मालाबार चार देशों के बीच में होता है, किन के बीच में? भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। जापान, इन चार देशों के बीच कौन सा होता है? मालाबार। यानी आप इसको याद कर सकते हो, एक ट्रिक याद कर लो, बाज। क्या याद कर लो? बाज। और एक लाइन और याद कर लो, बाज माल खाता है, बाज माल खाता है। माल का मतलब मालाबार और बाज का मतलब देखो, बी का मतलब हो जाएगा भारत, ए का मतलब ऑस्ट्रेलिया, ए का मतलब अमेरिका और जे का मतलब जापान और माल का मतलब मालाबार। बाज पक्षी आपने देखा ही है कि जब उसको अपना भोजन दिखता है तो कई बार ऊपर रहता है, उसके बाद में अचानक भोजन उठा के ले जाता है, तो बाज माल खाता है। तो ये मालाबार इन चार देशों के बीच में होता है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। हैंड इन हैंड ये होता है भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड। और इंद्र, इंद्र किन के बीच होता है? अभी मैंने आपको बता ही दिया, इंद्र किन के बीच होता है? भारत और रूस के बीच, जिसकी शुरुआत 2003 से हुई थी। एक युद्धाभ्यास यहां आया है इंद्रधनुष, ये अलग चीज है भाई। इंद्रधनुष ध्यान रखना इंडिया और यूके के बीच होता है, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के बीच। तो देखो मैंने आपको कुछ युद्धाभ्यास बता दिया, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच, इसके अलावा मैंने बता दिया शक्ति गरुड़ वरुण और स्काइरोस ये होता है भारत और फ्रांस के बीच। इसके बाद में देखो इंबेक्स भारत और म्यांमार के बीच, स्लिनेक्स और मित्र शक्ति ये होते हैं भारत और श्रीलंका के बीच, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच, समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच, मालाबार बाज माल खाता है भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान इनके बीच, हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच, इंद्र इंडिया प्लस रशिया भारत और रूस के बीच, और इंद्रधनुष, इंद्रधनुष किसके बीच होता है? भारत और इंग्लैंड के बीच। लेकिन आपको पता है इंद्रधनुष मिशन और इंद्रधनुष योजना ये अलग चीज है। इंद्रधनुष मिशन का इनका संबंध आपको पता है स्वास्थ्य संबंधी टीकाकरण से रिलेटेड है। तो ये अपना प्रश्न हो गया भारत और अन्य देशों के साथ में जो संबंध थे। हाँ, अब देखो मैं यहां इसी प्रश्न के अंदर आपको बता देता हूं, यह सेनाओं से रिलेटेड प्रश्न था, तीनों सेनाओं के प्रमुख। हाँ, भारत में आपको पता है तीन सेना है, तो वायुसेना, वायुसेना के प्रमुख को क्या कहते हैं? एयर चीफ मार्शल। और वर्तमान में एयर चीफ मार्शल कौन है? आर के सिंह या आर के एस भदौरिया वर्तमान में वायुसेना के क्या है? प्रमुख है। नौसेना के प्रमुख, नौसेना के प्रमुख को क्या कहते हैं? एडमिरल। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में इसका प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह। नौसेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। थल सेना के प्रमुख को क्या कहते हैं? जनरल। और वर्तमान में जनरल कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे वर्तमान में क्या है? थल सेना के प्रमुख है। ये देखो तीनों सेनाओं के प्रमुख हो गए, वायुसेना के एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया हो गया, और नौसेना के कौन हो गए? एडमिरल करमवीर सिंह, और जनरल थल सेना के कौन हो गए? मनोज मुकुंद नरवणे। अब देखो 1 जनवरी 2020 से एक नया पद सृजित किया गया था, कौन सा? CDS। CDS का मतलब होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इन तीनों सेनाओं में परस्पर संतुलन बनाए रखने वाला एक था CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पद है, वर्तमान में मोदी सरकार ने इसको सृजित किया था CDS। और वर्तमान में CDS कौन है? वो है विपिन रावत,
विपिन, जनरल विपिन रावत जो है, जनरल ये आपको पता है पहले थल सेना के प्रमुख रह चुके हैं, जनरल विपिन रावत वर्तमान में भारत के क्या है, सीडीएस है। और तीनों सेनाओं के प्रधान सेनापति कौन होता है, ये होता है आपको पता है राष्ट्रपति। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, श्री रामनाथ कोविंद, श्री रामनाथ कोविंद। और सेनाएं आपको पता है किसके अधीन आती है, रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। और रक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है, वर्तमान में रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। तो ये देखो अपन ने ये जो प्रश्न था, इस प्रश्न का पूरा अपन ने विस्तार से चर्चा कर ली है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने 14 मूल्यवान सांस्कृतिक कलाकृतियां भारत को लौटाने की सहमति दी है, यानी 14 मूल्यवान सांस्कृतिक कलाकृतियां भारत को लौटाने की मान्यता दी है, सहमति दी है, तो वो देश कौन सा है, ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया। याद कर लो, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 14 मूल्यवान संस्कृति कलाकृतियां वापिस लौटाने की सहमति दी है। अब इनमें आप याद रख लेना, 14 कलाकृतियों में से 13 जो कलाकृतियां हैं, 13 कलाकृतियां वो तो सुभाष कपूर से ली गई है, और एक विलियम वोल्फ इन्होंने देने की सहमति दी है। तो इसमें तो आप इतना ही मोटा मोटी मेन प्रश्न इतना ही याद कर लो कि किस देश ने 14 कलाकृतियां भारत को लौटाने की सहमति दी है, तो वो देश कौन सा हो जाएगा भाई, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और ये सांस्कृतिक कलाकृतियां हैं, इनसे संबंधित क्या पॉइंट है वो अपन पढ़ते हैं। देखो तो इस प्रश्न को आप इतना याद कर लो, पर्याप्त है। हाँ, ये जो जितनी भी कलाकृतियां हैं, देखो ये कई मूर्तियां हैं, कई कांस्य से बनी हुई है, कई पत्थरों से बनी हुई है, ये मूर्तियां या कलाकृतियां हैं। ये 14 कलाकृतियां जो तस्करी से संबंधित मुद्दा था वो भारत को वापस लौटाने की ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने सहमति दी है। जो जिनमें से जो देखो मैंने बताया 13 जो कलाकृतियां है वो तो सुभाष कपूर से ली गई है, 13 कलाकृतियां तो सुभाष कपूर से ली गई है, और एक कलाकृति विलियम वोल्फ से ली गई है। हाँ, अब देखो अपन इस प्रश्न से रिलेटेड अन्य चीजें पढ़ते हैं कि यहां पर बात आ गया ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो कलाकृतियां आपको पता है संस्कृति और पर्यटन से रिलेटेड है, तो हम सबसे पहले तो ये पढ़ते हैं कि वर्तमान में भारत के पर्यटन और संस्कृति मंत्री कौन है, तो ये है ध्यान रखना जी किशन रेड्डी। ये वर्तमान में भारत के संस्कृति और पर्यटन मंत्री है, प्लस ये याद रखना साथ में डोनर मिनिस्टर भी है। यानी डोनर मिनिस्टर क्या है, यानी डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए। आपको पता है पूर्वोत्तर भारत में कुल कितने राज्य है, 8 राज्य। इन राज्यों के विकास करने के लिए अलग से हमारे देश में एक मंत्रालय है जो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के विकास के लिए विशेष फोकस रखता है, इससे संबंधित मंत्री भी यही है। तो ये मंत्री कौन हो जाएंगे, जी किशन रेड्डी, क्योंकि ये संस्कृति और पर्यटन से रिलेटेड प्रश्न था इसलिए हमने इनसे संबंधित मंत्री पढ़ लिए। हाँ, अब अपन बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, स्कॉट बोरिसन। ये वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है। हाँ, इसके अलावा जैसे मान लो स्कॉट मॉरिसन वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के क्या है, प्रधानमंत्री है। तो यहां पे आप क्या याद कर लेना, स्कॉट मॉरिसन ये वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पशु
ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय राष्ट्रीय पशु कौन सा है ऑस्ट्रेलिया का, ये आपको पता है? ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पशु है वो तो दुनिया के अंदर फेमस है, कौन? कंगारू, कंगारू। और ऑस्ट्रेलिया की आपको पता है क्रिकेट की जो टीम है उसको भी क्या बोलते हैं? कंगारू बोलते हैं। कंगारू देखो प्रसिद्ध क्यों है, ध्यान रखना, कंगारू एक स्तनधारी जीव है, स्तनधारी जंतु है, लेकिन कंगारू जो है ना वो अपने अपने जो उदर होता है, अपना जो पेट होता है, उसके अंदर एक शिशुदानी रखता है, एक शिशुदानी, जिसको ज्यादातर हम क्या बोलते हैं? मार्सुपियल, मार्सुपियल रखता है। और जब कंगारू के बच्चा पैदा होता है तो कुछ दिनों तक कंगारू जो है इसी मार्सुपियल में रखकर उस बच्चे का क्या करता है? लालन पालन करता है। इसलिए कंगारू बड़ा प्रसिद्ध है। और इसके जो बच्चे का पालन करने के लिए शरीर में अलग से एक थैली पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? मार्सुपियल, यानी शिशुदानी। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? इसका पक्षी है, ध्यान रखना, एमू पक्षी ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है। और एमू पक्षी, ध्यान रखना, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। ऑस्ट्रेलिया, ये जो एमू है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। तो राष्ट्रीय पक्षी हो गया एमू, राष्ट्रीय पशु हो गया कंगारू, राजधानी कैनबरा, वर्तमान में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। और यहां प्रश्न आया है, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहते हैं? घास के मैदान को कहते हैं डाउंस। और एक कुछ स्थान पर और पाए जाते हैं, पोर्कलैंड। तो ये जो डाउंस घास के मैदान है ना, ये तो ऑस्ट्रेलिया की जो मुख्य नदी कौन सी है? मरे डार्लिंग जो नदियां है, मरे डार्लिंग नदियों के बेसिन में जो पाए जाते हैं उनको तो बोलते हैं डाउंस। और कुछ अन्य स्थानों पर और घास के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? पोर्कलैंड। ये घास के मैदान है। और प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ध्यान रखना, क्षेत्रफल के हिसाब से यदि देखा जाए तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और यदि अपन जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए, जनसंख्या के हिसाब से प्रश्न आ जाता है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो जनसंख्या के हिसाब से विश्व का छोटा महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका। ये जनसंख्या के हिसाब से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जहां नाव मात्र की जनसंख्या पाई जाती है। तो देखो, ऑस्ट्रेलिया का जो अपना क्वेश्चन था, 14 कलाकृतियां लौटाई ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने, 13 कलाकृतियां सुभाष कपूर से ली गई है, एक विलियम वॉल्फ से ली गई है, और अन्य अपन ने ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ लिए। अब मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं, विश्व के प्रमुख घास के मैदान, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हर परीक्षा के अंदर इनसे रिलेटेड एक प्रश्न आता है। जैसे मैंने अभी ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान आपको बताए, ऑस्ट्रेलिया में देखो पहला ऑप्शन दिया है डाउंस और पोर्कलैंड, ये दोनों घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं। डाउंस घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? ये मरे डार्लिंग नदियों का, नदी का, दो नदियां है ये, इनका जो बेसिन है इनमें पाया जाता है डाउंस, और अन्य स्थानों पर पोर्कलैंड। तो डाउंस और पोर्कलैंड ये दोनों कहां पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। सवाना, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सवाना घास के जो मैदान है, सवाना घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? सवाना घास के मैदान मुख्य रूप से आप याद रख लेना, एक तो सवाना घास, ध्यान रखना, जो दक्षिणी भारत है, दक्षिणी भारत के कुछ स्थानों पर भी सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। इसके अलावा सवाना घास के जो मैदान है पूर्वी अफ्रीकी जो देश है, पूर्वी अफ्रीकी देश है, जैसे मान लो केन्या हो गया, तंजानिया हो गया, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? सवाना घास के मैदान। और भारत, दक्षिणी भारत में भी क्या पाए जाते हैं? सवाना घास के मैदान, पूर्वी अफ्रीका के अंदर, याद कर लेना। और वेल्ड कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी अफ्रीकी महाद्वीप के देशों के अंदर वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं। तो सवाना और वेल्ड, ये दोनों आप याद करना। पुस्ताज घास के मैदान ये पाए जाते हैं हंगरी के अंदर, हंगरी देश के अंदर पुस्ताज घास के मैदान पाए जाते हैं। पंपोज और शेरोडो ये पाए जाते हैं, ध्यान रखना, ब्राजील के अंदर, ब्राजील के अंदर कौन से हैं? पंपोज और शेरोडो।
स्टेपिस घास के मैदान मुख्यतः कहां पाए जाते हैं? रूस के अंदर पाए जाते हैं। लानोज कहां पाए जाते हैं? वेनेजुएला के अंदर कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? लानोज। और सेलवास, देखो अमेजोन नदी का जो बेसिन है वहां मुख्य रूप से कौन से पाए जाते हैं? सेलवास। प्रेरी घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका के अंदर है जो घास के मैदान पाए जाते हैं, वो प्रेरी है। और पंपाज, प्रेरी और पंपाज दोनों याद रखो। पंपाज कहां पाए जाते हैं? दक्षिणी अमेरिका के अंदर है। घास के कौन से मैदान पाए जाते हैं? पंपाज पाए जाते हैं। और जो पटाना है, पटाना घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? श्रीलंका के अंदर है। पटाना घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ये देखो विश्व के प्रमुख घास के मैदान है जो पाए जाते हैं। इनमें मैं देखो आपको कुछ ट्रिक बता देता हूं, एक दो के। जैसे मान लो एक तो है पुस्ताज, तो आपको एक लाइन याद कर लेना चाहिए कि जो हंग्री मैन होता है उस हंग्री को पूछताछ करके घास खिलाना चाहिए। एक लाइन याद कर लो, हंग्री मैन को, हंग्री यानी भूखे आदमी को पूछताछ करके यानी पूछताछ घास खिलाना चाहिए। तो हंग्री में घास के मैदान कौन सा हो गया? पूछताछ घास के मैदान हो गए। इसके अलावा जैसे देखो, एक मैंने इसका ट्रिक बता रहा हूं, स्टेपिस। जैसे मान लो स्टॉप है, स्टॉप का मतलब क्या होता है? रुकना, रूफ और रूस। तो स्टेपिस घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? रूस। और आप एक है जैसे लानोज, बड़ा प्रसिद्ध है, आप इसका ट्रिक याद कर लेना कि घास को वेन पर लाना है, घास को वेन पर लाना है। तो घास का मतलब घास के मैदान, वेन का मतलब वेनेजुएला, और लाना का मतलब हो गया लानोज। तो लानोज घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? वेनेजुएला के अंदर। सेलवास, देखो मैं आपको यहां बता रहा हूं, आज आपको पता है वर्तमान के अंदर जो अमेजोन कंपनी है ना, ऑनलाइन कोई चीज उपलब्ध कराने वाली एक बहुत बड़ी उपलब्ध मात्रा में उपलब्ध कराती है। तो सेल आप याद कर लेना कि वर्तमान में कोई चीज की सेल करने वाली कंपनी कौन सी है? अमेजोन, ऑनलाइन सेल वाली कंपनी है ना। तो अमेजोन जो बेसिन है वहां पर घास के मैदान कौन से होते हैं? सेलवास। इसके अलावा देखो प्रेरी और पंपाज, दोनों क्रमवाइज याद रह जाएंगे। प्रेरी तो है उत्तरी अमेरिका के अंदर और पंपाज है दक्षिणी अमेरिका के अंदर। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में शुरू हुए विद्या प्रवेश प्रोग्राम का संबंध किससे है? विद्या प्रवेश प्रोग्राम, देखो मैं यहां आपको बता देता हूं। आपको पता है 29 जुलाई 2020 को भारत की नई शिक्षा नीति NEP, जिसको बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये लागू हुई थी। तो अभी 29 जुलाई 2021 को इसको एक वर्ष हो गया, यानी इसकी जो पहली जो वर्षगांठ थी, इस वर्षगांठ के ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, विद्या प्रवेश प्रोग्राम। सबसे पहले मैं बताता हूं इस प्रोग्राम का मूल उद्देश्य क्या था। इस प्रोग्राम का मूल उद्देश्य है जो प्रथम कक्षा के बच्चे होते हैं या जो पल्ले ग्रुप के बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, या मैं कह सकता हूं उनको स्कूल आने के लिए प्रेरित करना, मोटिवेट करना, पल्ले ग्रुप के बच्चों को, पहली कक्षा के बच्चों को। तो इसके अलावा देखो, एक प्रोग्राम तो विद्या प्रवेश प्रोग्राम हो ही गया, ये तो प्रथम कक्षा के बच्चों के लिए या पल्ले ग्रुप के बच्चों के लिए हो गया। तो यहां पर है कि इसका संबंध किससे है? देखो, पहली कक्षा के बच्चे कौन सी शिक्षा के अंदर आते हैं? आपको पता है पहली से पांचवीं तक के बच्चे प्राथमिक शिक्षा में आते हैं, पहली से आठवीं तक के बच्चे उच्च प्राथमिक में आते हैं, पहली से दसवीं तक के बच्चे माध्यमिक में आते हैं, और पहली से बारहवीं तक के बच्चे कहाँ आते हैं? उच्च माध्यमिक में आते हैं। और बारहवीं से बाद के जो बच्चे होते हैं वो किस में आते हैं? स्नातक के अंदर आते हैं, बारहवीं से लगाकर आप जिसको फाइनल कह सकते हो। और फाइनल के बाद में जो आते हैं उसको बोलते हैं स्नातकोत्तर।
तो यहां प्रश्न आया है कि पहली क्लास के लिए है कौन सा विद्या प्रवेश प्रोग्राम, तो पहली क्लास का संबंध कौन सी शिक्षा से है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित, यानी इस प्रोग्राम का संबंध किस से है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जो पहली एनिवर्सरी थी एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, जो पहली वर्षगांठ थी 29 जुलाई 2021 को, उस दिन मुख्यतः प्रधानमंत्री जी ने 5 घोषणाएं करी थी। वो घोषणाएं मैं आपको देखो यहां बता देता हूं, ये अपन बाद में पढ़ेंगे। मुख्य कौन कौन सी घोषणाएं थी, एक घोषणा तो मैंने आपको बताई दी, कौन सी विद्या प्रवेश प्रोग्राम, ये होगी किस पल्ले ग्रुप के बच्चों के लिए। इसके अलावा देखो दूसरी चीज हो गई कक्षा 3, 5 और 8, इन बच्चों के लिए एक कार्यक्रम लॉन्च किया है, कौन सा सफल कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम है सफल कार्यक्रम, और ये ध्यान रखना किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया था सीबीएसई ने, ये घोषणा इन्होंने की कि भाई सीबीएसई कक्षा 3, 5 और 8 के बच्चों के लिए क्या करेंगे, सफल कार्यक्रम घोषित करेगा। इसके अलावा देखो तीसरी पहली क्लास के बच्चों के लिए होगी, पांचवी तक के होगी। इसके अलावा इन्होंने घोषणा करी कि जो माध्यमिक शिक्षा है वहां पर जो साइन लैंग्वेज होती है, साइन लैंग्वेज तो सांकेतिक भाषा, उसको एक अनिवार्य विषय बनाया जाएगा, उसको एक अनिवार्य विषय बनाया जाएगा। इसके अलावा देखो मैं आपको चौथी चीज बता देता हूं कि चौथी घोषणा इन्होंने क्या की थी, इन्होंने करी थी कि जो कॉलेज शिक्षा है, कॉलेज शिक्षा के लिए इन्होंने किसकी घोषणा करी थी, कॉलेज शिक्षा के लिए इन्होंने घोषणा करी थी एबीसी, यानी एकेडमिक बैंकिंग फॉर एबीसी कॉलेज, यानी आप एबीसी समझ लो, एकेडमिक बैंकिंग फॉर कॉलेज, इसकी घोषणा करी। इसके अलावा देखो पांचवी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इन्होंने ये घोषणा करी कि 14 इंजीनियरिंग कॉलेजों को क्षेत्रीय भाषाओं के अध्ययन भी वहां पर अध्ययन करवाया जाएगा, क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययन होगा। इसके अलावा छठी घोषणा इन्होंने की क्या की थी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको अपन बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इनसे संबंधित उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च करी थी, इनसे संबंधित एक वेबसाइट लॉन्च करी। तो मुख्यतः 6 बातें इन्होंने बताई थी कि पहली क्लास के बच्चों के लिए तो विद्या प्रवेश प्रोग्राम, कक्षा 3, 5, 8 के लिए सीबीएसई सफल कार्यक्रम लॉन्च करेगी, माध्यमिक शिक्षा के लिए साइन लैंग्वेज को अनिवार्य बनाया जाएगा, कॉलेज शिक्षा के लिए एबीसी एकेडमिक बैंकिंग फॉर कॉलेज शुरू किया जाएगा, इंजीनियरिंग 14 इंजीनियरिंग कॉलेजों में क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययन करवाया जाएगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित इन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च करी थी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने 29 जुलाई 2021 की जो पहली वर्षगांठ थी शिक्षा नीति की, इसमें ये घोषणाएं करी थी। हाँ, तो अब अपन देखो ये प्रश्न पढ़ते हैं, भारत की प्रमुख शिक्षा नीतियां, आपको पता है आज तक भारत में कुल कितनी शिक्षा नीतियां बनी है, 3 शिक्षा नीतियां बनी है भारत के अंदर, वर्तमान तक 3 शिक्षा नीतियां बनी है। पहली शिक्षा नीति बनी थी ध्यान रखना 1968 के अंदर, और उस टाइम भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। दूसरी शिक्षा नीति इसका उल्टा कर दो देखो 1986, और इस टाइम इसके प्रधानमंत्री कौन थे देश के, राजीव गांधी के समय दूसरी शिक्षा नीति। और तीसरी शिक्षा नीति आपको पता है 2020 में, इसकी तो डेट याद कर लेना 29 जुलाई 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसको अपन वर्तमान एनईपी के नाम से जानते हैं, और इस टाइम देश के प्रधानमंत्री कौन थे, नरेंद्र मोदी। ये आज तक भारत में कुल कितनी शिक्षा नीतियां आई है, 3, पहली 1968 इंदिरा गांधी के समय, फिर देखो 68 में 6-8 है, इसका उल्टा कर दो क्या बन जाएगा 8-6, और वर्तमान 2020। तो एक प्रश्न यह आता है कि वर्तमान जो तीसरी पॉलिसी आई है ये कितने वर्ष बाद आई है, कितने वर्ष बाद आई है, यहां से क्वेश्चन याद कर लो। देखो ये 2020 हो गया, ये 1986 हो गया, तो उनके बीच में कितने 34 वर्ष बाद में वर्तमान शिक्षा नीति आई है।
हाँ, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद, ये क्या थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। और वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के, देखो अभी जुलाई के अंदर जो मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ था उससे संबंधित भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक। लेकिन वर्तमान में कौन है? डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान, याद कर लेना, डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में भारत के क्या है? शिक्षा मंत्री। याद रखना, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें जब ये लागू हुई थी इससे पहले भारत का जो शिक्षा मंत्रालय इसका नाम था MHRD, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया है? वर्तमान में इसका नाम कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। पहले इसका नाम शिक्षा मंत्रालय नहीं था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। तो वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा किस सूची का विषय है? याद रखना, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, यानी जिस पर कानून बनाने का केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार है। लेकिन आपको पता है समवर्ती सूची में क्या आता है? जहां केंद्र और राज्यों के मध्य कोई प्रकार का विवाद हो जाता है वहां पर प्रभावी कौन रहता है? केंद्र सरकार रहती है। तो यह देखो, शिक्षा से संबंधित हमने कुछ चीजें पढ़ ली। हाँ, आगे देखो, अगले प्रश्न में आपको बता रहा हूं, दो शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूं कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता था? तो टोक्यो ओलंपिक, मैंने अभी इसी वीडियो के अंदर पीछे बता रखा है, टोक्यो ओलंपिक जो है वो जापान के अंदर हो रहे हैं, और वर्तमान में कौन सा सीजन चल रहा है? 32वां सीजन चल रहा है। ये कब से कब है? ये आपके 23 जुलाई से लगा कर 8 अगस्त 2021 तक होने। तो भारतीय हॉकी टीम ने, ध्यान रखना, कांस्य पदक जीता है। और प्रश्न है, किस देश को हराकर? जर्मनी की टीम को हराकर भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। हाँ, यहां से चलो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अभी तक भारत ने कुल याद रखना 7 मेडल जीते हैं। तो अगले वीडियो के अंदर अपन देखो विस्तार से और चर्चा करेंगे। 7 मेडल के अंदर स्वर्ण पदक किसने जीता है? स्वर्ण वो तो जीता है एक नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? भाला फेंक से। ये प्रश्न आता है, इसका संबंध किससे है? भाला फेंक से। इसके अलावा रजत पदक कितना जीता है? एक। ये किसने जीता है? मीराबाई चानू। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन से इसका संबंध है। 202 केजी वजन उठाकर इसने क्या जीता था? रजत पदक। इसके अलावा कांस्य पदक भारत ने कितने जीत रखे हैं? 5। तो वो 5 कांस्य पदक कौन कौन से, मैं इधर लिख रहा हूं, देखो कि कांस्य पदक भारत ने कौन कौन से, कांस्य कह दो, चाहे इसी का दूसरा नाम क्या है? ब्रॉन्ज मेडल। किस किस ने जीता है? देखो, एक तो जीता है बजरंग पूनिया, एक रवि कुमार दैया। इसके अलावा मैंने अभी एक पीछे प्रश्न बताया था, पीवी संधु। इसके अलावा एक लवलीना हो गया, और एक कौन हो गया? आपके पुरुष हॉकी टीम। इन पांच ने जीता है कांस्य पदक। देखो, आप यहां से ध्यान रखना कि भाई बजरंग पूनिया और रवि दैया, इन दोनों का संबंध कहां से आता है? हरियाणा से है। और पीवी संधु, अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में बता रखा है, हैदराबाद तेलंगाना की है। और लवलीना कहां की है? असम की है। अभी अगला प्रश्न आएगा, लवलीना असम की है और पुरुष हॉकी टीम। तो ये 5 तो जीते हैं कांस्य पदक, एक जीता है स्वर्ण पदक, एक जीता है रजत पदक। मीराबाई चानू से संबंधित पूरी डिटेल मैंने पीछे वीडियो में बता रखी है, और नीरज चोपड़ा, और हम आशा करते हैं कि और भारत कोई गोल्ड मेडल जीते, अगले वीडियो के अंदर अपन इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये अभी आपने देख लिया, बाकी भारतीय ओलंपिक समिति के बारे में मैंने पूरा पीछे बता रखा है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? लवलीना बोरगोहेन इसका संबंध किस से है भाई? बॉक्सिंग, मुक्केबाज से, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बॉक्सिंग। हाँ, याद रखना, ये जो लवलीना है, आप इसको शॉर्ट में याद कर लो, लवलीना का संबंध कहां से है? इसका संबंध है असम से, असम। और थोड़ा सा मैं असम के बारे में बता देता हूं, असम के वर्तमान में सीएम कौन है? असम के वर्तमान में हिमंत बिस्वा शर्मा, ये असम के सीएम है। और असम के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? यह है जगदीश मुखी। जगदीश मुखी असम के वर्तमान में राज्यपाल है। और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर, या जो दिसपुर है वो गुवाहाटी का भाग है, तो आप दोनों में से कुछ भी कह दो चाहे। तो लवलीना बोरगोहेन का संबंध किससे है भाई? बॉक्सिंग से संबंधित है। और इसका संबंध किससे है? असम से। और इसने कौन सा जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। पांच कांस्य पदक थे, वो मैंने आपको पांचों कांस्य पदक बता रखे हैं। कांस्य पदक है, एक तो रवि कुमार दैया, बजरंग पूनिया, लवलीना, पीवी संधु, और जर्मनी अपने ये पुरुष हॉकी टीम, इन्होंने जीता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रश्न अपने इतने ही है, अब हम कुछ महत्वपूर्ण चीजें पढ़ लेते हैं। जुलाई माह की कुछ अपन नियुक्तियां पढ़ लेते हैं, जुलाई माह की प्रमुख नियुक्तियां, कि भाई जुलाई माह के अंदर प्रमुख कौन कौन सी नियुक्तियां हुई है। हाँ, एक अपना प्रश्न है, मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का प्रमुख यानी NCB, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसके प्रमुख कौन बनाए गए हैं भाई? SN प्रधान। देखो, ये मैंने पीछे वीडियो में भी बताया था, ये अपन बार बार शॉर्ट में पढ़ेंगे, वन लाइन क्वेश्चन है, ताकि आपको ये सारी चीजें आसानी से याद हो जाए। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का प्रमुख किसको बनाया गया है? SN प्रधान। हाँ, दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ये बनाया गया है राकेश अस्थाना। ये किसको बनाया गया है? ये बनाया गया राकेश अस्थाना। और ये याद रखना कौन है? ये वरिष्ठ IPS अधिकारी है, और ये BSF के महानिदेशक भी है। राकेश अस्थाना जो है, ये क्या है? ये BSF के महानिदेशक भी है, BSF के। तो ये हो गया दिल्ली पुलिस के कमिश्नर। हाँ, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का प्रमुख किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है नासिर कमल, इनको बनाया गया है। और यहां से मैं एक आपको नई चीज बता देता हूं, अभी कुछ चेंज हुआ है। एक प्रश्न है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो इसके मंत्री है भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया। वर्तमान में क्या है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के क्या है? मंत्री है। देखो, खेल मंत्री तो मैंने बताया अनुराग ठाकुर है, और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। हाँ, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? बसवराज बोम्मई, ये कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। और एक चीज सुनना, कर्नाटक के अभी यहाँ राज्यपाल भी नए ही बनाए गए हैं। कर्नाटक के राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं थावरचंद गहलोत को वर्तमान में हाल ही में कर्नाटक के राज्यपाल बनाए। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री, देखो इससे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? BS येदियुरप्पा, और अब कौन बने हैं? बसवराज बोम्बई। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री ये बनाए गए हैं पुष्कर सिंह धामी, ये उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो ये आपकी वर्तमान में मैंने आपको कुछ नियुक्तियां बता दी है कि भाई NCB के प्रमुख कौन बनेंगे? SN प्रधान। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर कौन बनेंगे? राकेश अस्थाना, वरिष्ठ IPS है। और नागरिक उड्डयन के महानिदेशक नासिर कमल, और नागरिक उड्डयन मामलात मंत्रालय के मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, और कर्नाटक के राज्यपाल भी नए ही बनाए गए हैं, कौन है? थावरचंद गहलोत। और उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? पुष्कर सिंह धामी। चलो आगे, अपन अब अपने प्रमुख नियुक्तियां
मैं आपको विश्व से संबंधित कुछ प्रमुख नियुक्तियां बता देता हूं। जैसे मान लो हमारा एक क्वेश्चन है, पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? पेड्रो कैस्टिलो। पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? पेड्रो कैस्टिलो। ये देखो, मैंने आपको पीछे वीडियो में क्वेश्चन बनाया था कि पेड्रो कैस्टिलो किस देश के राष्ट्रपति बनाए गए हैं? पेरू। और पेरू की आपको पता है राजधानी क्या है? लिम्मा। और ये पेरू है ना, ये इंका सभ्यता के लिए पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। किसके लिए? इंका सभ्यता के लिए। तो पेरू के नए राष्ट्रपति कौन है? पेड्रो कैस्टिलो। हाँ, हेती के नए प्रधानमंत्री, हेती, हेती के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? एरियल हेनरी। हेती के नए प्रधानमंत्री कौन है? एरियल हेनरी। ये हेती के नए प्रधानमंत्री बनाए गए। और यहां अपन चलो बात करते हैं कि हेती की राजधानी क्या है? पोर्टो प्रिंस। हेती जो है, हेती की राजधानी क्या है? हेती की राजधानी है पोर्टो प्रिंस। पोर्टो प्रिंस हेती की राजधानी है। और इसके नए प्रधानमंत्री, देखो हेती के जो यहां हुआ क्या है, हेती के जो राष्ट्रपति थे मोइसे, हेती के जो राष्ट्रपति थे जेवेनियेले मोइसे, इन मोइसे की क्या हो गई है? हत्या कर दी गई है। हत्या कर दी गई। अब इनके स्थान पर प्रधानमंत्री ने शपथ ली है कौन? एरियल हेनरी। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन है? योशिहितो सुगा। योशिहितो सुगा जो 2020 के अंदर नए प्रधानमंत्री शिंजो अब्बे के स्थान पर बनाए गए थे। शिंजो अब्बे जापान में सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे, उनके स्थान पर कौन बनाए गए? योशिहितो सुगा। हाँ, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? शेर बहादुर देवबा। ये भी मैंने पीछे वीडियो में प्रश्न बताया था, लेकिन ये वन लाइनर क्वेश्चन है ताकि अपने को याद हो जाए। और नेपाल के मैं यहां बता देता हूं कि नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? ये है राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी नेपाल की वर्तमान में क्या है? राष्ट्रपति। तो ये देखो, पहला पॉइंट तो अपन ने भारत से संबंधित कुछ प्रमुख जुलाई की नियुक्तियां पढ़ ली, ये अपन ने विश्व की प्रमुख नियुक्तियां पढ़ ली। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। प्रमुख दिवस जुलाई माह के मैं आपको प्रमुख दिवस बता रहा हूं। देखो, राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे ये कब मनाया जाता है? 1 जुलाई। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। और आपको पता है डॉक्टर्स डे किसकी पुण्यतिथि पर या जन्मदिवस पर मनाया जाता है? देखो, इनकी डेट एक ही है, जयंती यानी जन्मदिवस भी 1 जुलाई और पुण्यतिथि भी 1 जुलाई। डॉक्टर विधान चंद्र राय, विधान चंद्र राय, इनकी पुण्यतिथि पर, इनकी जयंती पर राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे मनाए जाते हैं। और याद रखना, ये पश्चिम बंगाल के सेकंड मुख्यमंत्री भी रहे थे। कौन है? डॉक्टर बीसी राय। इनके जयंती पर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे। चार्टेड अकाउंटेंट डे ये भी मनाया जाता है 1 जुलाई को। SBI की स्थापना दिवस, आपको पता है इंपीरियल बैंक जो थी ना, उसका नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को क्या किया था? SBI किया था। इसलिए SBI डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। तो ये तीन जो दिवस है, कौन कौन से? राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे, CA डे, चार्टेड अकाउंटेंट डे, इसके अलावा SBI स्थापना दिवस, ये तीनों कब मनाए जाते हैं? ये तीनों ध्यान रखना, 1 जुलाई को मनाए जाते हैं। हाँ, अब अपन चलो आगे जो प्रश्न पढ़ते हैं, कुछ प्रमुख जो अपने दिवस है उन दिवसों के अंदर अपन चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस ये कब मनाया जाता है? 9 जुलाई को। और अपना प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस ये कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। 11 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? ये देखो, आपको बताया 11 जुलाई 1987 को पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी? 5 अरब से पार हो गई थी। 5 अरब से, वर्तमान में तो 7.5 अरब से भी ज्यादा है, 8 अरब होने वाली है। 5 अरब से पार हो गई थी, इसलिए 1989 से प्रति वर्ष जनसंख्या के प्रति लोगों में
जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कब? 11 जुलाई को। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्ट डे, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 जुलाई को। और इनकम टैक्स डे, ये मनाया जाता है, ध्यान रखना, 24 जुलाई को। नेशनल ब्रॉडकास्ट डे, ये कब मनाया जाता है? ये तो मनाया जाता है 23 जुलाई को। और दूसरा अपना क्वेश्चन कौन सा है? ब्रॉडकास्ट डे, तो इनकम टैक्स डे, ये कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को मनाया जाता है। हाँ, आगे देखो, विश्व मस्तिष्क दिवस यह है भाई 22 जुलाई को। विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। आपको पता है कारगिल युद्ध कब शुरू हुआ था? 3 मई 1999 से कब तक चला था? 26 जुलाई 1999 तक चला था। और ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को बुरी तरह हराया था। कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त करी थी, उसी विजय के उपलक्ष में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। राष्ट्रपति कौन थे? K.R. नारायण। और उस टाइम सेना के प्रमुख कौन थे? जनरल वेद प्रकाश मलिक थे। हाँ, CRPF स्थापना दिवस, CRPF जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, CRPF स्थापना दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना, 27 जुलाई को CRPF स्थापना दिवस मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस डे और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, ये दोनों ही दिवस कब मनाए जाते हैं? ये मनाए जाते हैं 28 जुलाई को। और इनमें से देखो, ये जो आपका हेपेटाइटिस दिवस है, ये बड़ा प्रश्न है, इससे संबंधित वैज्ञानिक है डॉक्टर बारूके ब्लूमबर्ग, यानी हेपेटाइटिस से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? डॉक्टर बारूके ब्लूमबर्ग। इन्होंने क्या किया था? डॉक्टर बारूक ब्लूमबर्ग ने हेपेटाइटिस बी का टीका खोजा था, इसीलिए इनके जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस। और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यह भी 28 जुलाई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, यह मनाया जाता है 29 जुलाई को। पीछे एक वीडियो के अंदर मैंने बता रखा है, प्रश्न आता है क्यों मनाया जाता है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है क्यों मनाया जाता है, 29 जुलाई 2010 को क्या हुआ था? सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र जारी हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र जारी हुआ था, इसीलिए इसका मूल उद्देश्य क्या था? बाघों का संरक्षण करना, बाघों की संख्या को बढ़ाना, तो इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। हाँ, मानव तस्करी निषेध दिवस, यह मनाया जाता है 30 जुलाई को। यह देखो, जुलाई माह से संबंधित अपने कुछ प्रमुख दिवस थे। हाँ, अब देखो अपन चीज पढ़ते हैं, प्रमुख स्थान जो अभी जुलाई में चर्चा में रहे हैं, दो प्रमुख स्थान है, एक तो रहा है रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर को क्या कहा जाता है? इसको ध्यान रखना, हजार खंभों का मंदिर भी कहा जाता है। रामप्पा मंदिर है, इसको हजार खंभों का मंदिर कहा जाता है। ये तेलंगाना के मुलुगु जिले में पालमपेट नामक स्थान पर है, पालमपेट नामक स्थान पर है। और इसी मंदिर को क्या कहा जाता है? ये जो रामप्पा मंदिर है ना, इसी को रुद्रेश्वर मंदिर भी आप कह सकते हो। यह प्रसिद्ध क्यों, वर्तमान में चर्चा में क्यों है? इसको यूनेस्को ने 39वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। विश्व धरोहर स्थल भारत का 39वां कौन सा है? रामप्पा मंदिर है। हाँ, धोलावीरा आपको पता है गुजरात में है, और ये क्या है? ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। और वर्तमान में यह चर्चा में क्यों है? इसको यूनेस्को ने 40वां भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, इसलिए धोलावीरा गुजरात जो है ना, वर्तमान में चर्चा में है। ये कहां पड़ता है? गुजरात के कच्छ जिले में, जो कच्छ के रण है,
कच्छ के रण, वहां पर धोला वेरा पाया जाता है। और याद करना, यह सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है और इसकी खोज सर्वप्रथम 1967-68 में जगतपति जोशी ने की थी। यानी आप इसको क्या बोल सकते हो, जेपी जोशी ने इनकी खोज की थी। तो ये साथियों अपना जुलाई करंट अफेयर से संबंधित पार्ट 4 था। इस पार्ट के अंदर मैंने प्रश्न भी बताए हैं, जुलाई माह की प्रमुख नियुक्तियां भी बताई है, इसके अलावा जुलाई माह के प्रमुख दिवस भी बताए हैं और इससे जुलाई माह में जो चर्चा के प्रमुख स्थान रहे हैं वो भी मैंने बताए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।